हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्टा रिव्यूज। तो आज बात करने वाले हैं साउथ की मूवी चंद्रमुखी 2 के बारे में, जो कि चंद्रमुखी 1 से आगे कंटिन्यू की गई है। चंद्रमुखी 1 फ्रेंड्स आप जानते ही हैं 2005 में आई थी, और जिसमें फ्रेंड्स आपको साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत देखने को मिले थे। तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि क्या चंद्रमुखी 2 वर्थ थी देखने लायक या नहीं। लेकिन फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले, अगर कोई भी इस चैनल पर नया आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए फ्रेंड्स डिटेल में बात करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि चंद्रमुखी का रीमेक बनाया गया था बॉलीवुड के द्वारा, जिसका नाम था भूल भुलैया। और फ्रेंड्स पहली बार ऐसा देखने को मिला कि चंद्रमुखी 2 अभी इस साल रिलीज की गई है, लेकिन भूल भुलैया 2 चंद्रमुखी 2 से पहले ही रिलीज कर दी गई, और बॉलीवुड ने कमाल का फ्रेंड्स उसका सीक्वल बनाया भूल भुलैया 2, और जो कि जबरदस्त सुपरहिट रहा था। लेकिन चंद्रमुखी 2 उसके कंपैरिजन में डिजास्टर है डिजास्टर। मैं आपको फ्रेंड्स बताता हूं क्यों। स्टोरी टाइमलाइन की शुरुआत करते हैं, जहां पर हमें एक फैमिली दिखाई जाती है और उनके भाई कुल गुरुजी दिखाए जाते हैं। हम उसकी फैमिली में देखते हैं कि काफी परेशानियां चल रही थी, जिसके बाद उनके गुरुजी कहते हैं कि उन्हें अपने कुल देवी के मंदिर में जाकर एक पूजा करनी पड़ेगी, और फ्रेंड्स वहां पर जाकर ही उनके सारे मसलों का हल होगा। और वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि कुल देवी के मंदिर में बहुत देर से कोई पूजा ही नहीं हुई, कोई चिराग नहीं जला। उसके बाद वो कुल देवी के मंदिर के पास किसी हवेली में रहते हैं, जो कि भाई भूतिया हवेली थी। और उसके बाद हमें पता लगता है कि वहां पर ही चंद्रमुखी रहती है, और वही पुराना हमें देखने को मिलता है कि किसी दरवाजे में बंद थी और किसी घर के सदस्य के द्वारा उस गेट का दरवाजा या मंत्र कह लीजिए वो तोड़ दिया जाता है। उसके बाद चंद्रमुखी वहां से गायब हो जाती है और किसी की बॉडी में एंटर कर जाती है, और उसके बाद वो अपने पुराने जन्म का बदला लेती है राजा से बैटिया, जो कि हमें राघव लॉरेंस दिखाए गए हैं और एज ए बैटिया का रोल भी प्ले कर रहे हैं। तो वो फ्रेंड्स आपको साउथ का मसाला देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स वही हमें देखने को मिलता है जब चंद्रमुखी अपने बदले को पूरा कर लेती है, तो उसके बाद वहां से चली जाती है। तो ये सारी स्टोरी थी फ्रेंड्स यहां पर चंद्रमुखी 2 की, जो कि हमें 2.5 घंटे में देखने को मिलती है। लेकिन फ्रेंड्स बहुत बोरिंग स्टोरी थी अगर स्टोरी की बात करूं, और उसके बाद अगर एक्ट्रेस के परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो वो भी बहुत ही खराब एक्ट्रेस परफॉर्मेंसेस देखने को मिलते हैं, सिवाय कंगना रनौत के, जो कि भाई बॉलीवुड की अपनी स्टार है और उन्होंने सिर्फ एक्टिंग अच्छी की है। बाकी जितने भी हमें साउथ के स्टार्स दिखाए गए हैं तो वो साउथ वाली ही एक्टिंग करते हैं, भाई ओवर एक्टिंग नजर आती है मुझे तो यहाँ पर ऑन दी स्क्रीन, तो वो मुझे देखने को अच्छा नहीं लगा। बाकी जो भी एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए राघव लॉरेंस के, बीच में 4-5 एक्शन सीक्वेंसेस थे स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिलता है, तो वो आपको अनरियलिस्टिक से लगेंगे। वो आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे कोई किसी को बचा सकता है। तो भाई वही एक्शन सीक्वेंसेस थे जो पुरानी साउथ मूवीज में हमें नजर आते थे। तो अब तो वैसे साउथ मूवीज काफी मतलब अच्छी हो चुकी हैं, ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस नहीं दिखाए जाते, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इस मूवी में ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस या इतनी ओवर एक्टिंग क्यों दिखाई गई, जबकि इसे पैन इंडिया पर रिलीज किया गया था। डायरेक्शन भी फ्रेंड्स बहुत बेकार था इस मूवी का, कुछ आपको यूनिक देखने को ही नहीं मिलेगा इस मूवी में, जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं चंद्रमुखी 2 से या साउथ की किसी भी रीमेक से या उसके सीक्वल से। तो भाई वो आपको कुछ भी नया स्टोरी देखने को नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इस मूवी को रेटिंग देना चाहूंगा 5 में से ओनली 2.5 स्टार्स रेटिंग। तो भाई आप अगर थिएटर में इस मूवी को देखने जाने वाले हैं तो आप प्लीज ना देखें इसे थिएटर्स में जाकर, अपने पैसे वेस्ट ना करें, आप ये मूवी ओटीटी पर ही देख लें जब भी ये मूवी ओटीटी पर आएगी। तो फ्रेंड्स बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।